किया आपने कि उन्हें फिर आपको कहाँ जाने लगा कि आप इमरान की शेरनी है? वही बॉल न्यूज का जो इंटरव्यू था, उन्होंने लगाया था थंबनेल पे कप्तान की शेरनी ने हिला के रख दिया, और हमारी अवाम माशाल्लाह से ऐसी है वो थंबनेल को उन्होंने पकड़ा है, कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी कमेंट्स में करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ दीदी मैं हूँ कप्तान की शेरनी। जब आपको मैसेज आया, जब आपको पता चला कि आप वाकई अपने कप्तान से मिल रही हैं, क्या फीलिंग थी आपकी? एक्साइटेड। यकीन आ गया था आपको? पहले यकीन नहीं आया था, साथ में दोस्त बैठा था, मैंने कहा यार ये मैसेज जरा पढ़ो ना, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये वही है या कुछ और है? हमने आपकी कैप देखी है जिसपे खान साहब ने अपने सिग्नेचर भी किया है। हमने सुना है कि खान साहब के सिग्नेचर बड़े महंगे बिकते हैं, क्या कहेंगी? खान साहब ने ये ऑटोग्राफ मुझे दिया था और बड़े प्यार से दिया था, महंगे बिकते हैं नो डाउट। अभी तक मुझे 25 लाख की ऑफर आ चुकी है। तो क्या सोचा आपने? मैंने यही सोचा कि मैं इसको फ्रेम करा के अपने पास रखूंगी, मैंने कोई नहीं बेचना। नहीं बेचना। मैं अपने 50-60-70 इंटरव्यूज में यही बता चुकी हूँ कि मैं इमरान खान की नहीं फिलहाल फैन, मैं उसके काम की फैन हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है, मैं पाकिस्तान की फैन हूँ। Hey guys, this is your host Hadika and you guys are watching हमसे जानो। गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी नौजवान लड़की के साथ जिनके सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं। बेसिकली ये हमारे लीडर इमरान खान साहब की फ़ैन है और साथ ही साथ इनको लकब दिया जाता है कप्तान की शेरनी का। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हदीका, कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये सब स्टार्ट हुआ, इस जर्नी के बारे में ज़रा बताएं कि किस हद तक आप जो है हमारे लीडर जो इमरान खान साहब है उनसे इतना लगाव कैसे? अच्छा पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे इमरान खान, जब एकदम से महंगाई होना शुरू हुई, इंटरनेशनल लेवल पे वो हुई, समझ आ रही थी लेकिन फिर भी ये बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ये बुरा लगता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि मैं आवाम में जाती हूँ, पूछती थी, क्वेश्चनिंग करती थी, तो लोग कहते थे हमारे लिए ना रोटी खाना मुश्किल हो गया, इसलिए मुझे ये बुरे लगते थे। लेकिन जब इन्होंने वो अपना साइफर वो ख़त लहराया था पूरी आवाम के सामने और कहा था कि ये देखो, मतलब मुझे धमकी दी जा रही है, उस दिन से फिर मुझे इनसे लगाव हुआ और मुझे लगा कि ये बहुत सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो तब से मैंने इनको सपोर्ट करना शुरू किया और मैं इनकी फ़ैन हूँ एज अ क्रिकेटर अगर इनको देखा जाए, लेकिन एज अ पॉलिटिकल लीडर अगर देखा जाएगा तो जो उनमें खामियां हैं मैं वो भी बताती हूँ लोगों को और जो अच्छाइयां हैं मैं वो भी बताती हूँ। मेरा जो पहला इंटरव्यू ही वायरल हुआ था बॉल न्यूज़ पर, उसमें देखिए मैंने कहा था कि जहाँ पर सारे अंधे हों और एक काना हो तो काने को सिलेक्ट कर लें, यानी मैंने इमरान खान को कोई यहाँ पे कोई फरिश्ता नुमा इंसान नहीं साबित किया, बल्कि मैंने बताया कि वो इंसान ही है, उनमें भी खामियां हो सकती हैं, लिहाजा अगर वो अच्छे हैं बाकियों की निस्बत तो उन्हें सेलेक्ट कीजिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए। हाँ तो बस वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे इंसान से शेरनी का लकब मिल गया। ऐसा क्या किया आपने कि आप चले उन्हें सपोर्ट करती थी, टिकटॉक वीडियोस बनाती थी या क्या करती थी कि उन्हें फिर आपको कहा जाने लगा कि आप इमरान की शेरनी है? वही बॉल न्यूज का जो इंटरव्यू था उन्होंने लगाई ना हेडलाइन जिसमें आपने ये कहा कि जब सारे अंधे हो तो एक काना हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, जब वो वायरल हुआ था उन्होंने लगाया था थंबनेल पे कप्तान की शेरनी ने हिला के रख दिया, और हमारी अवाम माशाल्लाह से ऐसी है वो थंबनेल को उन्होंने पकड़ा है, कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी कमेंट्स में करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ दीदी मैं हूँ कप्तान की शेरनी। अच्छा ये चीज़ जो है ये फिर मैंने अभी इमरान खान से जब मिली हूँ तो तब उनको भी बताई, वो भी हंसने लग गए थे। अच्छा आपने मेंशन किया कि इमरान खान साहब से मिली है, तो बताइए कैसे मिली आप, कहाँ से आपको पता चला, किस तरह से सब हुआ कि आपको पता चला कि आपने इमरान खान साहब से मिलना है? बेसिकली ये ऑफिशियल मीटिंग थी और उनके स्टाफ की तरफ से अज़र मशवानी का मुझे मैसेज आया कि योर मीटिंग इज़ स्केड्यूल्ड विद इमरान खान साहब, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एक्साइटेड और फिर मैं गई वहाँ पे, ऑफिशियली बुलाया गया था जाहिर है, जब वहाँ पे गए तो उनसे बातचीत की और मुझे लगा कि ये रियल हीरो है पाकिस्तान का। मैं चूँकि जर्नलिज्म भी करती हूँ, यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये बाइस हो गई है, ये जानिबदार हो गई है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मतलब मैं जर्नलिज्म के साथ साथ इंसान भी तो हूँ ना, पाकिस्तानी भी तो हूँ, ठीक है, मैंने भी तो किसी न किसी को एज अ लीडर सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पर जाके ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था कि यस ही इज़ समथिंग, पहले तो सिर्फ सुना था तकरीरों में, लेकिन जब देखा, बात की, वो जितने निडर हैं, वो जितना मतलब मज़े की पर्सनैलिटी है। अच्छा यानी कि आपको शौक था उनसे मिलने का, और जब आपको मैसेज आया, जब आपको पता चला कि आप वाकई अपने कप्तान से मिल रही हैं, क्या फीलिंग थी आपकी? एक्साइटेड। यकीन आ गया था आपको?
पहले यकीन नहीं आया था, साथ में दोस्त बैठा था, मैंने कहा यार ये मैसेज जरा पढ़ो ना, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये वही है या कुछ और है? तो उसे कहा हाँ जी हाँ जी, आप हकीकत में है, ये बिल्कुल आपको मैसेज आया, आपने जाना है। यानी कि आप फुल एक्साइटेड थी, तो फिर तैयारियां शैरियां भी की होंगी आपने, कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वाकई मैं कप्तान से मिल रही हूँ, मैं क्या करूँगी, क्या ऐसी नर्वसनेस थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। मेरे साथ जो बाकी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, इवन मेरे से सीनियर लोग कुछ जो थे वो साथ थे, और वो कह रहे थे कि हम हमारा दिल धक धक कर रहा है, खान के पास जा रहे हैं, उनका तो बड़ा रोब है, ये है वो है, और वो सही से क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाए थे। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ना बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, और नर्वसनेस ये ज़रूर थी कि मैं खान से मिलने जा रही हूँ, लेकिन उनके सामने जाके कैसे बोलना है क्या करना है उसमें कोई नर्वस नहीं हूँ मैं, ठीक है, उसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। अच्छा, वैसे आपने इमरान खान साहब को टीवी पे देखा, कैमरे में देखा, सब जगह देखा, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिली, एक ऑफिशियल मीटिंग में मिली, तो आपको क्या लगा कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? मैंने पहले भी मेंशन किया कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, वो पहले से थोड़े कमज़ोर मुझे नज़र आए सेहत के हिसाब से, जब से उन्हें गोलियां लगी हैं। ज़ाहिर है बंदा एक 70 साल का इंसान है यार, उसको आपने 4 गोलियां मार दी हैं, उसे कोई तो असर होगा ना, ठीक है। लेकिन उनका अज़म, उनका हौसला, मैं सल्यूट करती हूँ उस चीज़ को कि एक 70 साल का इंसान 8 महीने जलसे करता रहा है, डेली आधा आधा घंटा दो दो घंटे बोलता रहता है, ठीक है, और उसके बाद गोलियाँ लगने के बाद भी उसका वो अज़म, वो हौसला बिल्कुल नहीं टूटा, वो वहीं का वहीं है। अच्छा, आपने जब इमरान खान साहब को बताया कि आपको कप्तान की शेरनी कहते हैं, क्या रिएक्शन था उनका? मैंने कहा कि खान साहब, मैंने बनना तो जर्नलिस्ट है, लेकिन लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया आपकी शेरनी कह के, तो हंसने लग गए थे। ये उनका रिएक्शन था? हाँ, हंसने लग गए थे। और उनके इस रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन था? मेरा ये रिएक्शन था कि आगे मैंने बहुत सख्त सवाल पूछ लिया था उनसे। क्या कहना चाहेंगी उन फैंस को जो कि कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब से मिलना है, लेकिन कुछ जाहिर है नहीं मिल सकता इंसान और वो मिल नहीं पाते, उन फैंस को क्या कहेंगी? अच्छा, मैं उन सबको यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्सियत को आप पसंद करें उससे मिल भी पाएँ। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया में। रोनाल्डो को आप पसंद करते हैं तो क्या आप उससे मिल पाएंगे? आप जैकी चैन को पसंद करते हैं तो क्या आप उससे मिल सकेंगे? नहीं, आप नहीं मिल सकते ना, पहुँच में नहीं होता, ठीक है। इमरान खान साहब को आप पसंद करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन आप उनसे नहीं भी मिल पाते तो कोई बात नहीं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, अब वो मुझे बताएं, हमने आपकी कैब देखी है जिस पे खान साहब ने अपने सिग्नेचर भी किए हैं, हमने सुना है कि खान साहब के सिग्नेचर बड़े महंगे बिकते हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, खान साहब ने ये ऑटोग्राफ मुझे दिया था और बड़े प्यार से दिया था, और हाँ महंगे बिकते हैं, नो डाउट। अभी तक मुझे 25 लाख की ऑफर आ चुकी है। तो क्या सोचा आपने? मैंने यही सोचा कि मैं इसको फ्रेम करा के अपने पास रखूंगी, मैंने कोई नहीं बेचना। नहीं बेचना? आप ये हमें पहन के भी दिखाएं। ओह, ये तो हम ऐसे पहन लेते हैं, इतनी सी देर लगती है बस। नजर आ रहे हैं खान के सिग्नेचर्स। अच्छा, आप भी फैन हैं, आपने कभी सोचा था कि आप मिलेंगी? अब मैं यार उस तरह से फैन नहीं हूँ कि मैं सिर्फ उनकी ही फैन हूँ, ठीक है, मैं उनके काम की फैन हूँ। मैं अपने 50, 60, 70 इंटरव्यूज में यही बता चुकी हूँ कि मैं इमरान खान की नहीं फिलहाल फैन, मैं उसके काम की फैन हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है, मैं पाकिस्तान की फैन हूँ, ठीक है। तो जब तक वो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे मैं उनकी फैन हूँ, आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी पर्सनैलिटी के लिए मुझे फैन नहीं बोल सकते। ओके, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपकी मुलाकात करवाई आमिना अजमत से। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हमें तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।